समर सीजन में बनने वाले कच्चे आम की चटनी का जायका बहुत ही बेहतरीन होता है। यूं तो इसे कई तरीके से बनाया जाता है, उनमें से मैं एक आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चलिए बनाते हैं खट्टी मीठी चटपटी कच्चे आम की चटनी। आम की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे आम को वाटर से वॉश करके इसका छिलका उतार लेंगे। चूंकि मैं इसे नाइफ से पील कर रही हूँ, आप पीलर की हेल्प से इसे आराम से पील कर सकती हैं। इसका छिलका उतारने के बाद हम इसे कट करके इसकी गुठली अलग कर देंगे और इसको स्मॉल पीसेज में कट कर लेंगे। मैंगो को छोटे टुकड़ों में काटने के बाद हम इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी जार में डाल देंगे, जैसे कि थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती, 3 से 4 हरी मिर्च, 2 छोटी चम्मच चीनी, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा पानी। यदि आप चाहें तो थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ी सी अदरक भी ऐड कर सकती हैं। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंडर जार में डालकर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। आपको चटनी कितनी गाढ़ी या पतली चाहिए उसके अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड करें। चटनी रेडी होने के बाद इसे खाने या स्नैक्स के साथ सर्व करें।